बेशक सभी का किस्मत एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक टैरो कार्ड किस्मत बदलने में सहायक हो सकता है। एक सही मार्गदर्शन हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। जानिए ओशो टैरो कार्ड के द्वारा किस्मत कनेक्शन और ओशो टैरो कार्ड के मार्गदर्शन मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ BCN न्यूज चैनल पर। गुरु का सिर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर दा दास को तीन लोको भय नाही। जी हाँ, हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर गुरु का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि पर महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा, जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 जुलाई को मनाई जा रही है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करें, क्या ना करें, क्या है गुरु पूर्णिमा का महत्व, ये जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में खास तौर पर आमंत्रित किया है ज्योतिषाचार्य श्रद्धानंद मोहन जी, जो कि पेशे से नागपुर के फेमस ज्योतिषाचार्य, अंकशास्त्र विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ एवं टैरो कार्ड मास्टर है। मोहन सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये बताइए कि चूंकि अभी गुरु पूर्णिमा दिन विशेष है, तो गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या होता है, क्यों मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा? देखिए, सबसे पहले अभी आपने ही बोला कि गुरु पूर्णिमा इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान वेद व्यास, जो भगवान विष्णु के अंश अवतार है, उनका इस दिन जन्म हुआ था। पूर्णिमा के आषाढ़ तिथि के दिन पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था। और भगवान वेद व्यास हैं जिन्होंने महाभारत का महाग्रंथ का रचना किया, और भगवान वेद व्यास हैं जिन्होंने ब्रह्मा ने एक्चुअली वेद बनाए थे, उन चार उन वेदों को चार भागों में विघटित किया, ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में संग विघटित किया, और 18 पुराणों का निर्माण किया, फिर से उसको ये किया, और उसमें ब्रह्म सूत्र उन्होंने बनाए वेद व्यास ने, जिसके पहले ब्रह्म यानी आत्मज्ञान क्या है, आत्मज्ञान तत्व क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, उसका सूत्र को निर्माण किया भगवान वेद व्यास ने। रही बात ये अपने गुरु पूर्णिमा का, भगवान वेद व्यास का जन्म का तिथि होता है। और देखिए, गुरु पूर्णिमा का महत्व कैसा है, जैसे हमारे श्लोक होते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब क्या है, गुरु ब्रह्मा भी होता है, विष्णु भी होता है, और महेश यानी रुद्र भी होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, गुरु जो होता है ब्रह्मा के ऐसा शिष्ट, एक शिष्य के अंदर, अपने डिसाइपल, अपने स्टूडेंट के अंदर नया अच्छे गुणों का सृजन करता है, उसका उत्पत्ति करता है नए गुणों का। विष्णु के ऐसा है, विष्णु पालन करता है, वो गुरु अपने शिष्य का पालन करते, भाई तू ऐसा चल, वैसा चल, गलत मत कर, ये अशिष्टाचार सीख, अच्छे ज्ञान सीख, अच्छे गुण सीख करके। और भगवान रुद्र के ऐसा नहीं, महेश्वर शंकर भगवान के ऐसा, वो गुरु क्या करते हैं, अपने शिष्यों को अवगुणों का नाश करते हैं, अपने शिष्यों का बुरे जो संगत है उसको काटते हैं, बुरे रस्तों को, जीवन में बुरे जो होते हैं उसको काटकर नए रस्ते देते हैं। और गुरु साक्षात परब्रह्म मैंने कहा है, जैसे परब्रह्म सर्वव्यापी है, अखंड पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है परमात्मा, उसी प्रकार से हमारे गुरुजनों का कहना, बड़े जनों का, कि गुरु साक्षात परब्रह्म यानी हर एक कण कण में गुरु बसता है। गुरु यानी मतलब क्या, देखो, गुरु यानी गु यानी अंधकार, रु यानी रोशनी यानी तेज यानी प्रकाश, जो अंधकार से अपने को तेज और प्रकाश की ओर ले, तमसोमा ज्योतिर्गम्य जिसको बोलते हैं, जो करता है वही गुरु होता है। गुरु वही होता है जो आपको सही रास्ता दिखाता है। जैसे हम समझो, इधर कार में हम सो यहाँ से समझो दिल्ली जा रहे हैं, हमको रास्ता मालूम, लेकिन हमने अगर GPS मैप सेट कर दिया, GPS हमको बताता है कहाँ राइट लेना, कहाँ लेफ्ट लेना, कहाँ टनल है, कहाँ अंधेरा है, कहाँ या जंगल है, बताता है। उसी प्रकार से गुरु अपने को रास्ता निर्धारित करते हैं, भाई बच्चे तू ऐसा चल, ऐसा मत चल। और देखो, अभी गुरु बोले तो क्या, सबसे पहला गुरु कौन होता हमारे जीवन में, माँ जो हमको जन्म देती है, पिता जो हमारा पालन करते हैं, ये सबसे बड़े गुरु होते हैं। और दूसरा, जो हमारे स्कूल में या कॉलेज में जो हमको टीचर या जो प्रोफेसर सिखाते हैं, वो और गुरु होते हैं। और दूसरे गुरु वो होते हैं जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, मंत्र दीक्षा लेते हैं, या धर्म अर्थ काम मोक्ष का दीक्षा लेते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये ज्ञान अलग प्रकार के खंड को हम सीखते हैं। और पांचवे गुरु वो होते हैं जो रस्ते में चलते फिरते लोग रहते हैं, लेकिन हमको गाइड करते हैं, भाई तू ऐसा जा, ये रास्ता मिलेगा, ये मत कर, ये मत खा, उनको कोई लेना देना नहीं रहता, हम उनको कभी प्रणाम नहीं करते गुरु करके, लेकिन हमको गाइड कर जाते हैं। कोई अंकल है, कोई हमारे नजदीक वाले लोग है, कोई दोस्त है, कोई पड़ोसी है, वो भी हमारे गुरु का कार्य करते। तो गुरु क्या है, सर्वव्यापी है। हमारे अंदर देखो आर्द्रता होना चाहिए, आर्द्र रहना कहने, गुरु तो रहता ही है, लेकिन शिष्य बनना काबिल जरूरी है। जी सर। क्यों, अगर आप अच्छे शिष्य बनते हो
तो ही अच्छे तुमको गुरु का लाभ मिलता है। क्योंकि देखो पानी पीने के लिए इंसान को झुकना पड़ता है, वैसे जो झुकता है जिसमें विनम्रता है वही शिष्य बनता है, और जो शिष्य बनता है उसी के ऊपर गुरु की कृपा होती है। बहुत तो, सही कहा सर आपने। गुरु र ब्रह्मा, गुरु र विष्णु, गुरु र देवो महेश्वरा, गुरु र साक्षात पार ब्रह्मा, तस्मे श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही शिव है और गुरु ही सर्वव्यापी है। और जैसा कि सर ने कहा कि अच्छा शिष्य बनना जीवन में बहुत जरूरी है, चाहे वो आपका विद्यार्थी जीवन हो, बाल जीवन हो या फिर वृद्धावस्था हो, हर एज में आपको एक गुरु का सानिध्य होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको सही मार्ग दिखाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है जब आप अपने गुरु से मिलते हैं, और ऐसे गुरु से जो आपको सही दिशा दिखाते हैं। सर ये बताइए कि चूंकि हमारा दिन विशेष है गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? देखिए गुरु, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, गुरु पूर्णिमा मनाने के दो कारण है। एक तो भगवान वेदव्यास का जन्मदिन है, उनको जन्म हुआ था। दूसरा ये गुरु का, हमारे जो गुरु हैं, जो भी जिनमें हमने अभी जिक्र किया इतने सारे गुरुओं का, उन गुरुओं को धन्यवाद बोलने के लिए, उनको हम संबोध करने के लिए, गुरु आपने जो भी यहाँ पर परोक्ष रूप में अपरोक्ष में हमारे पर जो भी उपकार किए, हमको ज्ञान दिए, हमको मार्गदर्शन किया, इस दिन के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, इस बोलने के लिए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। सर ये बताइए कि क्या सिर्फ एक ही दिन काफी होता है गुरु पूर्णिमा के लिए? अगर मैं थोड़ा सा विद्यार्थी जीवन की बात करूं तो विद्यार्थी जीवन में ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही दिन अपने गुरु के चरण स्पर्श किया जाता है। जो बच्चे होते हैं वो एक ही दिन अपने माँ बाप और जो अपने गुरुजन है उनकी सेवा करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ गुरु पूर्णिमा ना हो, एक ही दिन ना होते हुए हर दिन हमें अपने माँ बाप की, अपने टीचर्स की और जिन भी बड़े व्यक्ति की जिनका हम सम्मान करते हैं उनका जो है वो सम्मान करना चाहिए? देखो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बात बोला आपने। हालांकि हमारे धर्मशास्त्रों में बोला गया है जब घर से बाहर निकलो हर बच्चे को अपने माता पिता के चरण छू के निकलना है। क्यों? अपने माता पिता सबसे बड़े गुरु होते हैं, वो आपको जिंदगी में चलना फिरना उठना बैठना बोलना व्यवहार सिखाते हैं। और हमारे जो दीक्षित गुरु हैं, जो मंत्र दीक्षा देते हैं, अपनों को बराबर ज्ञान देते हैं, या कॉलेज में पढ़ाते हैं, स्कूल में हमारे अक्षर पढ़ाते हैं, ABCD आ ई ख ग ना पढ़ाते हैं, वो हमारे गुरु है, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए और उनके प्रति कभी कृतज्ञ रहना चाहिए, कृतज्ञता रखना है, उनका कभी थैंकफुल रहना चाहिए हम लोग, और कभी उनके जो हमारे ऊपर उपकार है कभी भूलना नहीं चाहिए, और भूल कर भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, गुरु के लिए अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। और इस दिन पे जो कल का जो अपना जो 13 तारीख का अपना जो गुरु पूर्णिमा है, इस गुरु पूर्णिमा के दिन जो जो भी बंदा जाकर, जो भी अपने गुरु जो मानते हैं, उन गुरुओं को जाकर नमस्कार करना, उनको फल फ्रूट देना, उनको थोड़े से शॉल वगैरह कोई भी वस्त्र भेंट करना, मिठाई भेंट करना, उनके चरणों में गिरकर अपने गलतियों को माफी मांग के आना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। गुरु जी आज दिन तक हमने आपका पालन किया, हमारे जितना यानी हैसियत था उतने शिष्य बने, लेकिन गुरु के समान कोई शिष्य नहीं बन सकता, लेकिन आपका आशीर्वाद जब करता है तो उसका जो आप सीखते हो, जब गुरु आपको आशीर्वाद देता है उसका जो प्रमाण है 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे देखो एकलव्य और अर्जुन थे, अर्जुन साक्षात द्रोणाचार्य सीखते थे, लेकिन एकलव्य ने कभी द्रोणाचार्य से मिले नहीं, लेकिन उनसे कभी संपर्क नहीं हुआ, लेकिन एकलव्य ने क्या किया, उनका मूर्ति बनाकर सिर्फ द्रोणाचार्य को मन में रखकर उन्होंने एक अपना धनुर्विद्या उन्होंने सीखने की कोशिश की, पारंगत हो गए। इसी प्रकार से गुरु का दो रूप होता है, एक तो परोक्ष रूप, एक अपरोक्ष रूप। अपरोक्ष रूप से गुरु जहां भी बैठे हो, लेकिन आप उनको मन में मनन करके ध्यान करके अपना काम शुरू करो, देखो आपको सिद्धि जीवन में कैसे मिलेगा। ये चीज जो है आपने बोला, रोज जो गुरु को याद करना चाहिए, गुरु को नमन जरूर करना चाहिए। पहले हमारे गुरुकुल रहते थे, गुरुकुल के अंदर शिष्य आते के साथ ही गुरु को नमस्कार करना, उनके चरणों को नमस्कार वंदना करके, बाद में माता सरस्वती को वंदना करके अपने पढ़ाई करते थे। आज के रेट में भले अलग है, लेकिन मेरा बोलना इतना ही है कि हर एक व्यक्ति को अपने गुरु के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। ये क्यों? इसके पीछे दो कारण है। पहले कारण ये है कि गुरु ने अपने को सिखाया, अपना समय, अपना कीमती समय। देखो कोई इंसान अपना पैसा देता है, पैसा कमा सकता है, श्रम देता है, श्रम वापस, लेकिन जो इंसान अपना समय देता है ना, समय कभी वापस नहीं आता, क्योंकि समय सबसे कीमती होता है जीवन में, एक बार देने वाला समय वापस नहीं आता। तो गुरु अपने जीवन का समय आपको देता है ताकि आपका उद्धार हो, पहली बात। दूसरा है, उनका दिया हुआ ज्ञान आपके जीवन में हमेशा आपको साथ देता है, हमेशा आपको हर रास्ते पे, हर राह पे आपको साथ देता है। तो उसीलिए गुरु के प्रति कभी थैंकफुल रहना चाहिए, कभी उनको धन्यवाद बोलना चाहिए जीवन में। इसके प्रति रोज अगर आप परोक्ष रूप से यानी पर्सनली जाके उनको नमस्कार नहीं कर सकते, मन ही मन बैठकर गुरु के चरणों को नमस्कार। और भगवान शंकराचार्य क्या बोलते हैं, एक बहुत अच्छा श्लोक है, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसारा चिरात भव भक्त सेंद्रिय मार्ग नियामा देवम दक्ष निस्तम देवम। यानी क्या है,
गुरु के चरणों को अपने मन में साध लो, गुरु के विद्या को अपने मन में साध लो, फिर देखो आपके जीवन में आप इंद्रियों को समावेश कर लो, इंद्रियों को अपने निग्रह कर लो, तो वो कोई मकाम नहीं है जो आप पा नहीं सकते, मुक्ति भी मिल जाएगा, परमात्मा भी मिल जाएगा, यानी गुरु के चरणों में इतना शक्ति होता है। तो इसीलिए गुरु के चरणों को ध्यान करके गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के पास जाकर गुरु को फूल माला और फ्रूट और स्वीट्स, और हो सके तो उनको कुछ वस्त्र प्यारा है तो वस्त्र दे सकते हैं, कुछ नहीं है एक शॉल दे सकते हैं, देकर अगर समझो आपको कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई कुछ नहीं है साधना देने का, जाकर एक उनके चरणों में गिर के विनम्र नमस्कार करके गुरुजी आपने आपने जो भी किया बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद बोल भी देंगे तो परमात्मा आशीर्वाद देगा। याद रखना सबसे बड़ा गुरु परमात्मा होता है, परमात्मा का ही अंश है ये सारे जो गुरु जो दिखते हैं आपको, उनके अंश है परमात्मा, उनके अंदर से ही आपको गाइड करता है। तो आप गुरु के प्रति थैंकफुल रहेंगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परमात्मा आपको जरूर ब्लेसिंग देंगे, आपको आशीर्वाद देते हैं। जैसे कि सर परमात्मा की बात किया तो एक दृश्य मतलब जो हमारा गुरु है और एक अदृश्य जो परमात्मा है वो हमारे लिए हमारे ऊपर वाला हमारा परमात्मा है जो हमारे सही गलत और सारे कर्म को देखता है कि हम किस गति सही दिशा में जा रहे हैं गलत दिशा में जा रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति हमारे सामने है सिर्फ हम उन्हीं को दिखा रहे हैं, लेकिन एक ऊपर वाला जो परमात्मा बैठा है वो आपके सारे कर्मों का हिसाब अपने पास रखता है, क्योंकि वो जो गुरु है ना मैडम, ऊपर वाला गुरु है ना, हर घटघट का पटपट का जानता है, बिल्कुल हर किसी के अंदर वो बैठा है, हर किसी के अंदर वो देख रहा है। भगवान कृष्ण क्या बोलते गीता में, मैं सबके अंदर बैठ के सबको चलाता हूँ, चक्र के जैसा चलाता, लेकिन किसको दिखता नहीं हूँ करके परोक्ष, क्योंकि क्या बोलते हैं, वसुदेव सुतम देवम कमचारणोमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, यानी भगवान कृष्ण इस संसार के सबसे बड़े गुरु हैं, उन्होंने जो इस संसार को गीता 18 अध्याय में जो गीता सुनाया, जो उसको जो साध लेता उसको कोई भी रोक नहीं सकता। और देखो भगवान कृष्ण भी नारायण के अवतार है, भगवान वेद व्यास जो गुरु पूर्णिमा जिसके मनाते हैं नाम में मनाते हैं वो भी भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, यानी भगवान वेद व्यास ने गीता रचना किया, भगवान कृष्ण के मुँह से निकला उसको रचना भगवान वेद व्यास ने किया। तो ये क्या गुरु वेद व्यास का महत्व, गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा दिन है, उन्हीं के नाम से गुरु पूर्णिमा होता है। देखो ये गुरु पूर्णिमा का दूसरा तत्व भेजता हूँ मैं, गुरु पूर्णिमा के अंदर क्या करना चाहिए, हमने अपने अवगुणों को गुरु को दे देना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, गुरुदेव मैं फल फ्रूट तो दिया सब दिया, आज से मैं अपना क्रोध त्यागता हूँ, मेरा अपना तो सबसे जरूरी चीज है आज के जनरेशन के लिए तो बहुत जरूरी है, अपने अहंकार त्यागता हूँ, मेरा अज्ञान त्यागता हूँ, और मेरा तमस मेरे अंदर जो आलस है मेरे अंदर प्रमाद है वो त्यागता हूँ, गुरुदेव मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे धन्य कीजिए, और मुझे मेरे गलतियों को चुन चुन कर बताकर मुझे ठीक कीजिए। गुरु वो होता है जो आपकी गलतियों को सुनाता है, जो आपको गलतियों को दिखाता है, और एक हिसाब से देखा जाए मैडम जो हम पे जलस खाते हैं जो हमारे दुश्मन है वो भी हमारे गुरु होते हैं, कि हमारे गलतियां चुन चुन के बताते हैं वो, ये गुरु पूर्णिमा का महत्व विशेष है। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है, जो गुरु होता है ना वो गुरु आपका कभी भी ध्यान रखकर आपको पालन करता है, आपको वो सृजन करता है, आपके अंदर नए गुण सृजन करता है, उसको कभी अवहेलना करना, उसके प्रति दो बातें गलत बोलना, उसका गुरु का निंदा भी सुनना नहीं चाहिए करके शास्त्र में बोला गया, इतना श्रेष्ठ होता है। और ये बहुत ही अच्छी बात कहा सर आपने कि गुरु के पास जाकर हमारे अंदर जो भी गलत चीज है, अवगुण है, जो चीजें हमारे इसमें नहीं पहले नहीं आती थी लेकिन अब हम जलस की भावना करते हैं, या कोई भी चीज जो है नेगेटिविटी, वो अपने गुरु के पास जाके हम उन्हें दे सकते हैं ताकि हमारे अंदर एक नई पॉजिटिविटी का संचार हो। जैसे कि सर ने महर्षि वेदव्यास के बारे में कहा तो मैं आपको बता दूं कि महर्षि वेदव्यास ने पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था, सही सर, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का समावेश था, और इस कारण ही उन्हें प्रथम गुरु की उपाधि दी गई थी। आपको द्वारा बता दूं कि उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है, महाभारत की रचना भी उन्होंने की थी, और चूंकि हमारी भारतीय संस्कृति में सदा से ही गुरुओं का खास स्थान रहा है तो गुरुओं का मान सम्मान करना हम सभी के हाथ में है। सर ये बताइए कि गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करें क्या ना करें। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, पहली बात गुरु पूर्णिमा के दिन अगर जो लोग मंत्र में दीक्षित नहीं है, जिनके पास कोई गुरु नहीं है, वो कोई भी गुरु बना के अच्छे को योग्य गुरु को लेकर वो गुरु को अपना गुरु मानकर उनसे मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। जी सर। और समझो जिसके पास कोई गुरु नहीं है वो अपने माता पिता को गुरु मान ले, समझो वो भी नहीं है, आपको लगता है भाई हमको गुरु ही चाहिए, तो जो आपका धर्म है, जो आप कोई भी धर्म है, कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है, वो गुरु उनके अंदर कोई पैगंबर है, उनके अंदर कोई गुरु है जिससे उनको अपना गुरु मान के, उनका जो हमारा धर्म भगवद गीता है या अपना कुरान है या अपना बाइबल है,
या धम्मपद भगवान बुद्ध का, उनको अपना गुरु मान के उसके अंदर जो लिखा गया उसका बराबर जो अनुसरण करता है उसको गुरु का अप्रोक्ष रूप से परमात्मा का उसको गाइडेंस मिलता है, ये सच बात है, सच बात है। और दूसरी बात देखो, ये गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध ने अपना सबसे पहला जो सरमन बोलते सबसे पहला अपना जो प्रवचन शुरू किया था सारनाथ में उनको आत्मज्ञान होने के बाद, पहले सबसे पहले इस दिन। और जैन जैन मत में भी गुरु पूर्णिमा का महत्व है, और इंडिया में, नेपाल में, भूटान में भी बहुत सारे लोग गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं। देखो एक गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात उठने के बाद सबसे पहले ना कर सब भगवान सूरज को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान सूरज भी गुरु हैं, उनको जल चढ़ाना चाहिए। और उसमें अंदर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम डाल के जल चढ़ाना चाहिए। फिर ना कर आने के बाद, जल चढ़ा के आने के बाद सबसे पहले माता पिता को नमस्कार करना चाहिए, उनके चरण छूना चाहिए रोज, ठीक है। और उसके बाद भगवान का आपका जो भी इष्ट देव है उनको नमस्कार करके, उनका वंदना कर उनका स्तोत्र मंत्र पाठ करके, पूजा करके, आरती करके, फिर बाद में आपके जो गुरु हैं जिनको भी आप जिन्होंने आपको ये भी सीढ़ी सिखाया है, ये सिखाया है, या जिन्होंने जो आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो आध्यात्मिक गुरु है, उनके पास जाकर उनको नमन करना चाहिए। अगर समझो कोई बड़े गुरु हैं जिनके पास जा नहीं सकते, उनको घर बैठे आंखें बैठे बैठे प्रार्थना करते उनसे अपनी भूल से प्रार्थना क्षमा करना चाहिए। देखो हम बड़ों को क्या दे सकते हैं, गुरु हमारे से बड़े, हमको उनको देने की हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उनको एक ही दे सकते हैं, हमको उनको धन्यवाद दे सकते हैं और उनको बोल सकते हैं मेरी भूल से अपराध क्षमा करो गुरुदेव, हम पे आपकी कृपा बना रहे दो प्रभु, और करके हम प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि देखो क्या होता मैडम, पानी कभी भी खड्डे में जमता याद रखना, बिल्कुल ऊपर टीले पे कभी नहीं जमता, पर्वत पे पानी गिरता जरूर है लेकिन जमा होता नीचे खड्डे में, यानी तालाब में, यानी शिष्य है ना खड्डे के ऐसा, तालाब के ऐसा खाली होना चाहिए, तालाब के ऐसा होना चाहिए खाली, तब आके प्रभु का गुरु का कृपा उस पे जमा होता है। अगर शिष्य अकड़ में रहा तो गुरु का कोई महत्व नहीं है। तभी तो कहते ना सर, गुरु बिना ज्ञान नहीं। बिल्कुल। और गुरु यानी मतलब क्या है, ग याने गणपति, ग याने गौरी, ग याने गंगा, ग याने अपना सारा अच्छे गुण उसके अंदर रहता है। गुरु का मतलब क्या है, जो अंधकार को मिटाता है वही गुरु है। तो ये गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के पास जाना चाहिए, अपने जो भी प्रिय वस्तु है उनको देना चाहिए, या ये गुरु को जो प्रिय लगता है वो उनको भेंट करके आना चाहिए। और समझो जो अगर समझो कोई शिष्य बहुत अच्छा आर्थिक तरीके से बहुत अच्छा है, कोई गुरु कमजोर है, तो उनके घर के लिए उनके लिए कुछ कर आना चाहिए, उनको कृतज्ञता बोलना चाहिए, थैंक्स बोलने से नहीं होता। अगर आप में क्षमता है, अगर आप में शक्ति है, उस गुरु के घर के लिए, उस गुरु के बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, बोलना चाहिए गुरु जी आप टेंशन मत लो, आप कोई चिंता मत करो, अगर आपको कोई कष्ट है आपके बेटा नहीं है, मैं हूँ मैं आपके साथ दूंगा करके गुरु को ऐसा अभय वचन देकर आना चाहिए, तब गुरु का आशीर्वाद इतना निकलता है। क्या होता मैडम, देखो दो बातें रोचक बातें बताता हूँ मैं आपको। एक तो होता है जो आशीर्वाद है ना आप देते हो, ये हम देते हैं भाई खुश रहे। दूसरा आशीर्वाद होता है जो अनायास अंदर से निकलता है। समझो कोई प्यासे को अपने पानी पिला दिया, खाना के भूखे को खाना खिला दिया, तो उसके मुंह से अरे खुश रहे बेटा, तो खुश रहे अंदर से निकलता है, फिर बाद में मुंह से बोलता है। ऐसा दो आशीर्वाद होता है, एक तो मुंह से बोल के दिया ऐसा है, और दूसरा आशीर्वाद देता है अनायास अंदर से निकलता, अंदर का परमात्मा आशीर्वाद देता है। ये गुरु के अंदर भी एक गुरु होता परमात्मा, जब उस गुरु के अंदर का परमात्मा का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाता ना, आप पीछे मुड़ के नहीं देखते जीवन में। तो ये जो अप्रोक्ष रूप से गुरु पूर्णिमा है बहुत बड़ा है। और गुरु पूर्णिमा के देखो गुरु, इसको गुरु पूर्णिमा बोला जाता है, इसको समझा करो आप जी। गुरु दिन करके नहीं, गुरु पूर्णिमा बोला, गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा कब होता है, पूर्णिमा रात को होता है। जब चंद्रमा उदित होता है ना गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, चंद्र को अर्घ्य देना चाहिए। कैसे देना चाहिए चंद्र को अर्घ्य, थोड़े से कच्चे चावल डालना चाहिए उसमें, चंद्र इसमें दूध में, और उस दूध के अंदर थोड़ा सा अगर आप शक्कर डाल सकते हैं तो शक्कर डाल के चंद्र को अर्घ्य देना चाहिए, अगरबत्ती दिखाना चाहिए चंद्र भगवान को, फिर चंद्र भगवान को हल्दी कुंकू चढ़ाना चाहिए। मंत्र है ओम सोमेश्वराय नमः, अगर आप ये पूरा मंत्र बोल सकते हो, ओम दधि शंकुशारम क्षीरोदारम नमामि सोमम शंभुर मुकुटभूषणम, अगर ये मंत्र बोल सकते हो, ये मंत्र बोल के नहीं है तो ओम सोमेश्वराय नमः, ये मंत्र बोलकर भगवान चंद्र को अर्घ्य देना चाहिए। और देखो भगवान चंद्र आकर माता पार्वती के नथनी के रूप में बोल जाते, माता भगवती, माता पार्वती है ना उनकी नथनी चंद्रमा है, तो माता पार्वती को नमन करना चाहिए, दुर्गा देवी नमः करके बोल सकते हैं, अर्घ्य देकर माता के चरण छूना चाहिए आकर अर्घ्य दे के गुरु पूर्णिमा के दिन। और हो सके तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ, हो सके तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, पूजा करने के बाद आपका संपन्न पूजा होने के बाद एक बार आपने गुरु चरित्र का पाठ करो या गुरु गीता का पाठ करो, अद्भुत लाभ होगा। ये सब कुछ भी समझ में नहीं आता, जाकर अपने माता पिता से अपने गलतियों की माफी मांगो,
मम्मी पापा हम आपसे आज से आपके अच्छे बच्चे चलने का कोशिश करेंगे, हमारे बुरे व्यसनों को त्याग देंगे, बुरे दोस्तों को त्याग देंगे, बुरे झंझटों को त्याग कर आप जो बोलेंगे आपके सुख के लिए, आपके मंगल कामना के लिए हम काम करेंगे, हमको आशीर्वाद दो, हमको गाइड करो माता पिता करके बोलो। देखो कोई भी बच्चा दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके ऊपर माता पिता ने गाइड किया वो पीछे बच्चा पीछे मुड़ के देखा हो, जीवन में आगे बढ़ता ही है। जिसके ऊपर जन्म देने वाली माता पिता का कृपा मिल गया, जिसके ऊपर आचार्य गुरुजनों का आशीर्वाद मिल गया, वो चाहे तो झोपड़ी में पैदा हो अच्छा जिंदगी जीता है और चार लोगों को अच्छा करके जाने का सामर्थ्य उसमें रहता है। ये होता है गुरु का तेज, गुरु का शक्ति। ये गुरु पूर्णिमा का महत्व बहुत ज़्यादा है। और ये गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार दान धर्म भी करना चाहिए। किसको करना चाहिए, जो गुरु लोग होते हैं या जो आर्द्र लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनको दान धर्म करना चाहिए। और सबसे अच्छा तो मैंने बोला ही आपको, गुरु के पास जाना, गुरु के कष्टों का निवारण के लिए हमको ढूंढना चाहिए, चेतन करना चाहिए। गुरु जी आपको बोलो कोई कष्ट है, कोई चीज़ कमी है घर में, बोलो आपके बच्चे को कुछ करना, मेरे को सामर्थ्य में करके देता हूँ। जिसको सामर्थ्य नहीं वो तो कर नहीं सकता, जिसको सामर्थ्य उसने जरूर कोशिश करना चाहिए गुरु के लिए कुछ करना। क्योंकि जो इस जन्म में हम करते हैं, याद रखना दर्शकों, जो इस जन्म में करते हैं हम, याद रखना 10 गुना अगले जन्म में मिलने वाला है, अच्छा या बुरा वो मिलेगा ही। उसीलिए गुरु के प्रति अगर आप निष्ठावान रहें, गुरु के प्रति श्रद्धावान रहें, तो आपको वो सब लाभ मिलेगा जो जो आप जीवन में सोच नहीं सकते, वो सब मिलता है। और गुरु पूर्णिमा के दिन कभी भी याद रखना, गुरु पूर्णिमा के दिन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बहुत सही, अंडा नहीं खाना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा के दिन लड़के लड़के मिल गए भाई रात के 12 बजे दे दो बजे घूम रहे, नहीं करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जिसके अंदर आपके अंदर ही गुरु तत्व का जन्म ले सकता है, याद रखना। क्योंकि गुरु पूर्णिमा ऐसा नहीं है भाई हम टीचर्स डे मना लिया या कोई ब्रदर्स डे मना लिया, ऐसा डे नहीं है ये। ये गुरु पूर्णिमा आके हमने नहीं विकसित किया, ये शास्त्रों में लिखा गया है, ये हमारे सनातन धर्म का उपज है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन जो भी बैठ के मंत्र साधना करना चाहता है, अगर वो बैठ कर 10 माला कोई मंत्र का पाठ कर ले, उसको सिद्ध हो जाता है, सच बात है। और गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु मंत्र का जो बैठ के निरंतर जाप करता, उसको 100 गुना लाभ मिलता है। और गुरु पूर्णिमा के दिन अगर जिसको संभव हो सके, अगर वो जाकर अपने जो तीर्थ स्थल है, अपने जो इष्ट देव है या अपने जो कुल देवता, उनके नमस्कार करके आना, उनको प्रसाद चढ़ा के आना, और पवित्र नदियों में डुबकी लगाना भी बहुत श्रेष्ठ होता है गुरु पूर्णिमा के दिन। और गुरु पूर्णिमा के दिन याद रखना, कभी भी अपने गुरुजनों का भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए, बड़ों का भी मान सम्मान करना चाहिए, और बड़ों का कभी भी अविश्वास दिखाकर उनका कभी भी इंसल्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सही बात कही यहाँ पर, गुरु पूर्णिमा दिन विशेष में गुरु पूर्णिमा का महत्व, गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करें क्या ना करें। और सर ने जो कि बहुत ही अच्छी बात बताई कि जिसके प्रति हम अपना आदर मान सम्मान रखते हैं उनके प्रति कभी भी हमारे मन में कोई कपट नहीं होनी चाहिए, राइट सर, कोई गलत चीज़ें भावना नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि कहा कि क्या ना करें, मतलब इस दिन नॉनवेज से थोड़ा परहेज रखें, मीट मछली अंडा ये ना खाए, कुछ गलत तरीके से गलत काम ना करें, जुआ ना खेले, हेयर कटिंग नहीं करना चाहिए, ये बहुत अच्छी नेल कटिंग नहीं करना चाहिए, हेयर कटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सलून का काम पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा नहीं करना है, त्याज्य माना जाता है। बिल्कुल। और गुरु पूर्णिमा के दिन कभी भी याद रखना, कोई भी चीज ऐसा ना करे जो दुख पहुंचे दूसरों को, हिंसा ना करे, दुख पहुंचे ऐसा बिल्कुल नहीं करे, हिंसा ना करे, किसी का दिल ना दुखाए। और एक चीज मैं अपने दर्शकों को खास तौर पे बोलना चाहूंगी कि वैसे तो श्रद्धानंद मोहन जी ने पूरी ही जानकारी बहुत कम शब्दों में अपने दर्शकों के लिए उपलब्ध करके दी है, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए एक बहुत ही काबिले तारीफ बात है। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगी कि सिर्फ गुरु पूर्णिमा के दिन ये सब चीज़ें जो हैं इसका मान ना रखते हुए हर दिन आप अपने गुरु का, अपने बड़ों का, अपने माता पिता का, सबका जो है वो सम्मान करें, मान करें, तभी उन्हें आप उनका सम्मान करेंगे तो इसमें आप ही की तरक्की रहेगी। दर्शकों, NBCN के गुरु पूर्णिमा इस खास स्पेशल प्रोग्राम में मैं रूपा पंडित देती हूँ इजाज़त और आप देखते रहिए NBCN न्यूज़। नमस्कार। 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 बेशक सभी का किस्मत एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक टैरो कार्ड किस्मत बदलने में सहायक हो सकता है। एक सही मार्गदर्शन हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। जानिए ओशो टैरो कार्ड के द्वारा किस्मत कनेक्शन और ओशो टैरो कार्ड के मार्गदर्शन मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ BCN न्यूज़ चैनल पर।